हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का के चैनल, टीचर और आप सभी के सामने हो चुका हूं और जैसे बैच चल रही है सत्रह जनवरी से तो भाई आज अड्डा का है तेरवा फाउंडेशन डे तो तेरह फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी तो जो बंदे चाहते हैं डी ट्री प्लस बी ट्वेंटी ट्वेंटी टू का वहां पैक ले सकते हैं और साथ ही साथ ट्वेंटी टीचिंग का महापैक भी ले सकते हैं वो भी दुगनी वैधता के साथ तो ये ऑफर फिर तो आपको मिलने वाली है नहीं वैलेंटाइन डे पे भी आपको ऑफर मिला था और आज भी ये ऑफर आपके लिए जारी की जा रही है ऑन द ईव ऑफ दर्टी फाउंडेशन डे ऑफ अड्डा टू फोर सेवन तो कुल मिला के आज अड्डा तेरह साल का हो गया है ना अड्डा हैज एंटर्ड टीन है ना इट्स इट हैज एंटर्ड अ टीन एज शालिनी शरू अभिषेक तिवारी जी नमस्कार वेलकम चलिए पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है भाई सी यू फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड विच कै लॉ कैन बी प्रूवड बाई द वेट्स ऑफ सी यू एंड ओ इनमें से कौन सा लॉ प्रूव किया जा सकता है बताइए आपका जवाब क्या होगा ए बी सी और डी ए बी सी या फिर डी क्या होगा आपका जवाब क्या क्वेश्चन सच में इतना हार्ड है क्या जो आप लोग को इतना सोचने में टाइम लग रहा है इज इट सो इफ नॉट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए इफ नॉट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और पार्टिसिपेट भी कर लीजिए भाई जल्दी से है ना सरु अर्पना करण कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए होना चाहिए देखते हैं क्या होता है सही जवाब जल्दी से एक बार बच्चे जुड़ जाएं फिर ताबड़तोड़ आज हम करने वाले हैं थर्टी फाइव क्वेश्चन जिसमें पंद्रह सवाल आज केमिस्ट्री के होंगे बीस सवाल आज आपके बायोलॉजी के होंगे जल्दी से जुड़िए बच्चों क्या होगा जवाब तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल प्रोपोर्शन एकाधिक अनुपात इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन दे आर मिक्सड एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर टू The law of conservation of mass is valid for all of the following except oxidation reactions, nuclear reactions, endothermic reactions, or exothermic reactions. Law of conservation of mass. Sweta Falswal Rupam Tyagi, Saurav Jagar, good evening, Arpana Saru. But answer? the law of conservation of mass is valid for all of the

तो माइनस ट्वेंटी थ्री सिक्स 10 जीरो टू इंटू टेन तो माइनस का सवाल हमारा जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब ए बी सी अडी दीक्षा राय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों बताइए क्या होगा भाई नम बताना एकदम क्वेश्चन नंबर थ्री क्या होगा 22 ग्राम CO2 टू इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव मोल कार्बन डाइऑक्साइड मोल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और मोल को गेड्रोन नंबर में मतलब मॉलिक्यूल्स में लाने के हम क्या करते हैं 0.5 पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री से आपको मल्टीप्लाई कर देना है क्या आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री पॉइंट जीरो मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा इससे आसान सवाल आप क्या ही लोगे बताइए अगला सवाल मास ऑफ वन एम यू अटोमिक मास यूनिट इन ग्राम एज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी डबल जीरो मास ऑफ वन एम यू इन ग्राम इज ए बी सी और डी क्या होगा जवाब मास ऑफ वन एटॉमिक मास एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम कितना होता है जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक like नहीं करा एक बार सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिए और बताइए जवाब क्या होगा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वन पॉइंट सिक्स सिक्स इन टू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव एक्चुअल मास ऑफ अ मोलिकूल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज सेवन पॉइंट थ्री इंटू टेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो माइनस ट्वेंटी थ्री फॉर्मी फोर या थ्री पॉइंट थ्री बताइए मास ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज क्या होगा एक्चुअल मास ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा भाई एक्चुअल मास अगर आपको निकालना है कितना है कार्बन डाइ ऑक्साइड मतलब चौवालीस तो 44 ग्राम बाई एन कर दो एनए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड चौवालीस नंबर से बस डिवाइड कर दीजिए जो भी आपकी सोल्यूशन आएगी वो ऊपर दिए गए बयानों में से एक होगा क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर फाइव द करेक्ट आंसर गोस टू ऑप्शन नंबर ए सेवन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच टू एसओ फोर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच टू एस ओ फोर आर कंटेन्ड इन जीरो पॉइंट जीरो फाइव लीटर ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोलर सोल्यूशन कितने ग्राम एच टू एसओ फोर को रखा जा सकता है इन जीरो पॉइंट जीरो फाइव लीटर ऑफ जीरो जीरो पॉइंट फाइव मोलर सोल्यूशन में बताइए तो so, निकालना है मॉलिक्यूल ऑफ एच टू एस ओ फोर ना तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ फोर बराबर क्या होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्योंकि मोलर में ही दे रखा है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मतलब जीरो पॉइंट जीरो फाइव सॉरी चलो एक ही बात है इंटू है तो कहीं भी आगे पीछे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जीरो पॉइंट इंटू जीरो पॉइंट फाइव इतना हम निकाल लेंगे हाँ ना इतना तो हम निकाल लेंगे ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव आएगा ये मोलारिटी हमारी आई मास हमें निकालना था तो बस उसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है एस टू एस ओ फोर का कितना आएगा नाइनटी एट हाउ मेनी ग्राम्स ग्राम्स तो grams को बस क्या करना है जितनी मोलरिटी मोलिक्यूल इंटू नाइन कैलकुलेट करिए जो आएगा वही आंसर होगा क्या आ रहा है आंसर कितना आ रहा है बताइए सारे न्यूमेरिकल नहीं है कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ठीक है बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दो दशमलव पैंतालीस ग्राम इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न वन के जी ऑफ इज़ 22,400 लीटर्स 22.4 इनटू 10 टेन टू द पावर थ्री लीटर्स 1.86 इनटू 10 टेन टू पावर थ्री लीटर्स या 1000 थाउजेंड लीटर्स बताइए वॉल्यूम ऑफ एनटीपी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न वन के ऑफ कोल हंड्रेड कार्बन 22,400 22.4 उज फोर हंड्रेड लीटर्स लीटर्स जवाब क्या होगा मिला के क्या बनता है CO2 टू गैसियस मिला के क्या बनता है CO2 गैसियस बनता है कितना बताया है वन हंड्रेड परसेंट कार्बन तो कितना मोल रिक्वायर्ड होगा वन थाउजेंड बाई बाई ट वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो इतना कार्बन रिक्वायर्ड होगा बोला है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 1000 थाउजेंड बाई ट इंटू स्टैंडर्ड एटमोस स्टैंडर्ड एस पे हमें बस कैलकुलेट कर लेना होगा इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो बारह बारह बच्चों के चार

चलो कमान 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 ए बी या डी ए बी या डी इतना टाइम क्यों लग रहा है बाईस दशमलव चार ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मोल्स बेटा ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टोशियोमेट्री से स्टोशियोमेट्री से स्टोशियोमेट्री से जैसे हम केमिकल अरिथमेटिक भी कहते हैं केमिकल एरिथमेटिकीरो पॉइंटीन ट्वेंटी सेवन जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो बताइए क्या होगा जब आप क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व कीजिए भाई मल्टीप्लाई बस कर देना था जो खतरनाक सवाल लगे ना उसका सोल्यूशन बड़ा आसान होता है बेटा इंटू ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर क्यूब इसको करिए ना जो आएगा वही आंसर होगा क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन सी आ रहा होगा 0.00405 सी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 Which of these weighs most? इनमें से कौन सबसे भारी है इनमें से किसका वजन सबसे अधिक है 32 ग्राम ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ, का दो ग्राम परमाणु 0.5 तिल लोहे का या फिर 0 3.01 10 टू द पावर 23 1023 नहीं 10 टू द पावर 23 कार्बन के परमाणु बताइए इनमें से कौन सबसे भारी है क्वेश्चन नंबर टेन कौन भारी है भाई इनमें से कौन भारी लग रहा है आपको दीक्षा सरूर उपम शिवानी अभिषेक तिवारी जी बताइए सेशन को शेयर जरूर करें लाइक जरूर करें बताइए ए बी सी या डी बेटा बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन सबसे भारी होगा इनमें से सबसे भारी कौन है बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन सबसे भारी है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच कंटेेंस ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के परमाणु किसके पास है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑफ अच्छा 1 ग्राम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 ग्राम ऑफ ओजोन या ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताइए चौथा तो होगा नहीं सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो है नहीं सब में चौथा तो नहीं हो सकता या सेम है क्या लगता है चौथा नहीं हो सकता या चौथा ही हो सकता है बताइए 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 सही जवाब क्या होना चाहिए आप सभी का विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स वन ग्राम ऑफ ओ वन ग्राम ऑफ ओ टू वन ग्राम ऑफ ओ थ्री बेटा तीनों को अगर ग्राम में लोगे तो में परमाणुओं की संख्या क्या है लगभग सेम है डी इज द राइट आंसर

और ये भी 10 पावर 19 होगा तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मिली लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट इज़ क्वेश्चन नंबर आपका जवाब क्या होगा द करेक्ट आंसर नंबर बी वन पॉइंट जीरो एट इन टू टेन टू द पावर ट्वेल्व नॉर्मल कैलकुलेशन से और ये सब आपको कहां मिल जाएगा एटॉमिक मास पहले एक बार बताइएगा मुझे है ना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं है अटोमिक मास ग्राम अटोमिक मास मॉलिक्यूलर वेट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मैलिटी इक्वी वेट मोलर फ्रैक्शन मोलल सॉल्यूशन, क्या ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं है अगर ये सब एकदम पसंद प, पता होंगी तभी आप इन सबको कर पाओगे अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टी देखेंगे ठीक है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टीन

100 बाई टू हंड्रेड सेवन और इसी को इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं 100 बाई टू हंड्रेड सेवन इसी को अगर हम ग्राम एटम में एक्सप्रेस करें तो ये क्या हो जाएगा 100 बाई टू हंड्रेड सेवन ग्राम एटम मोल को ही हम ग्राम एटम में एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है ना ग्राम एटम में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वन ग्राम एटम इज वन मोल वन ग्राम एटम इज इक्वल्स टू वन मोल अब आपको हिंट दे दिया बताइए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन अ सैंपल ऑफ लेड वेइंग 100 ग्राम्स कितने होंगे अब तो बता दो कितना होगा ए बी सी आर डी जीरो पॉइंट फोर दया अभी भी नहीं हुआ तो कब होगा किस जन्म में होगा चार इसमें भी प्योरी टेबल जैसा हाल है कोई बात नहीं पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए बिल्कुल मतलब पहली चैप्टर पहले नहीं हुई थी नौ बजे वाला सेशन अभी तक कंफर्म नहीं है देखते हैं शायद हो भी सकता है शायद ना भी हो कंप्यूट द मास इन ग्राम्स ऑफ के सी चलो फिर ये तो सवाल अब स्टोक्योमेट्री जब तक आप करोगे नहीं तो कहां से करोगे तो इन सवालों को छोड़िए है। आते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे जॉ स्केल्स एंड पेड फिन आर एब्सेंट इन बताइए जॉ स्केल्स एंड पेड फिन आर एब्सेंट इन हिप्पोकैम्पस एक्सोचीटस एनाबास टेरोफाइलम पेट्रोमाइजिन मिगजीन मिगजीन एंगुलर जल्दी बताइए जो स्किल्स किसमें एब्सेंट होते हैं तो बेटा पेट्रोमाइजन मिक्सिन इन दोनों में एब्सेंट होती है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू इन बायोलॉजी प्रेजेंस ऑफ नोटो ओनली इन द टेल व्हिच इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा बलानोग्लोसिस एसीडिया और सैलामैंड्रा केवल पूछ में नोटोकॉड की उपस्थिति जो काया पलट के दौरान खो जाती है वह एक विशेषता किसकी होती है ए बी सी या डी बताइए की ये खासियत होती है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स पहला है संगठन के अंग प्रणाली स्तर के साथ पृष्ठीय खोखले नोटोकॉर्ड वेंट्रल हर्ट और ज्यादातर बंद संचार प्रणाली तंत्रिका कॉर्ड की उपस्थिति नोटोकॉर्ड के लिए पृष्ठीय है नर्व कॉर्ड इज डॉ डॉर्जल टू नोटोकॉर्ड बताइए क्या इसमें आपको सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर बेटा बी इज द राइट आंसर presence of dorsal hollow nerve cord, uh, notochord, is incorrect Is incorrect with respect to chordates. pristia cochlea notochord. Na? b is the right answer. a okay. glass which of the following statement is incorrect? petromycin is ectoparasite on fish. petromycin sows uh, catadromous migration in its breeding season. petromycin reproduces only once in its life. एमोचीट इज द लार्वा ऑफ मेट्रोमाइजन विच माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वॉटर टू ओशन क्वेश्चन नंबर फोर क्या होगा जवाब ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर फोर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि यह टाड्रोमिस नहीं पेट्रोमाइजन शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन इट शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन फ्रेश वॉटर टू सी वॉटर एंड सी वॉटर टू फ्रेश वॉटर उसी को कैटाड्रोमस एनाड्रोमस कहते हैं सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर अगला सवाल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट एन एमनियोट्स ओनली एनाम्योट्स ओनली एमनियोट्स के रूप में

हेपैटिक पोर्टल सिस्टम दोनों में ही पाई जाती है सो सी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स विच स्ट्रक्चर अलाउज फिशेज टू कंट्रोल देयर डेप्थ इन एन एक्वाटिक एनवायरमेंट वो कौन सी आकृति है जो जलीय वातावरण में मछलियों को अपनी गहराई को नियंत्रित करने की अनुमति देती है ऑपरक्यूलम स्विम ब्लैडर पार्श्व रेखा या जबड़े क्वेश्चन नंबर सिक्स बताइए फास्ट A, B, C, or D. कुछ लोग कह रहे हैं सर लैटरल लाइन बेटा जो डेप्थ कंट्रोल करने के लिए काम आती है वो स्विम ब्लैडर होती है ना कि लैटरल लाइन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन ऑयल ग्लैंड स्वेट ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन तेल ग्रंथियां पसीने की ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां किन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं बाल और त्वचा रख रखाओ तापमान विनिमय दूध उत्पादन प्रजनन बाल और त्वचा रख रखाओ तापमान विनियमन तापमान विनियमन दुग्ध उत्पादन प्रजनन दुग्ध उत्पादन ऑक्सीजन वितरण बाल और त्वचा रख रखाओ बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब क्या होगा ऑयल ग्लैंड ऑयल ग्लैंड क्या करती है हेयर और स्किन की सुरक्षा करती है स्वेट ग्लैंड मेंचर रेगुलेशन एंड मेमोरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कहां चक्करों में पड़े हुए हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आठ। moist skin without scales are used as an accessory respiratory organ जो कि कहां पाया जाता है राइट सोनिया यू आर राइट इट कंट्रोल्स बेयानसी moist skin without scales and used as an accessory respiratory organ is found in

फिन्स होते हैं और फिंस के अलावा बॉडी पे क्या होती हैं ये स्केल्स होती हैं तो इन्हें कहा जाता है स्केल्स और वहां उन्हें फिजिक्स में मापक कहा जाता है वहाँ फिजिक्स में उन्हें मापक कहा जाता है ये डॉर्सल फिन हो गया ये पेक्टोरल फिन हो गया पेल्विक फिन हो गया ये एनल फिन हो गया ये टेल फिन हो गया ठीक है हाँ जी क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर एट बताइए तड़ तड़ बताओ भाई राना एंड हाइला विल बी द राइट आंसर फ्रॉग राना टिग्रीना फ्रॉग का नाम है अगला सवाल वॉट इट अडेप्टॉर टेरेस्ट्रियल एक्सिस्टेंस है स्थलीय अस्तित्व के लिए अनुकूलित कशेरुकी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं खोले गए अंडे सह पायलरी अंग की उपस्थिति आंतरिक निसेचन माता पिता का देखभाल पेरेंटल केयर क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर सेवन एंड द आंसर विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निशेचन

पूरी तरीके से दिलों में अलग है किसमें पक्षी स्तनधारी मगरमच्छ पक्षी और स्तनधारी स्तनधारी या फिर उभयचर और मगरमच्छ क्वेश्चन नंबर टेन एंड योर आंसर वुड बी इसके पहले सी ही था इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर टेन का बताइए टेन का बताइए क्या होना चाहिए डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइज ए बी सी और डी ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पोअर ब्लड इज कंप्लीटलीपरेटेड कंप्लीटली सरु का कहना यह है जो कि गलत है अगला सवाल देर आर फोर

एक नहीं है तीन है वो क्या नहीं है भाई बताइएगा देखो डोर्सल टिब्यूलर हॉलो नर्व कॉड है फेरिंगियल गिल्सलेट्स फॉर फिल्टर फीडिंग ये भी है पोस्ट एनल टेल फॉर प्रोपल्शन भी है लेकिन सपोर्टिव नोटोकॉर्ड अब इन करेक्ट यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू कॉमन चेंबर जिसे हम क्या कहते हैं ओविसैक ब्लड ब्रूड पाउच क्लोएका या उभयचर में आहार नहर मूत्र और प्रजनन क्षेत्र आम कक्ष में खुले हैं जिन्हें बुलाया जाता है ओविसेक, ब्रूड पाउच, क्लोएका या अंडकोश क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट शुड बी द आंसर और उसे हम क्या कहते हैं एम्फीबियंस में एलिमेंट्री कनाल हो यूरिनरी ब्लैडर हो या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो ये सब खुलते हैं क्लोएका में सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगला सवाल रेस्पिरेशन एक्सक्लूसिवली बाई लंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट क्लासेज विशेष रूप से फेफड़ों द्वारा सश्वसन निम्नलिखित कशेरुकी वर्गों की विशेषता है लंग फिश और सरिश्रिप सरिस्प और स्तनधारी एब्स और एम्फीबिया या स्तनधारी और उभयचर क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड द करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी सरस्रिप और स्तनधारी सरिश्रिप और स्तनधारी है ना लंग से लेने वाले यही हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला सवाल द द मैमल्स हैव ऑल ऑफ़ फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट में सारे सिवाय एक के। कौन सा भाई? नहीं होता कोई दिक्कत तकलीफ एकदम रैपिड फायर खेलना है भाई मैराथन अगला सवाल मॉडिफाइड इनटू क्लास्पर्स मेंट फॉर कॉप्यूलेशन इन काराडॉन स्कोलियोडॉन या ऑल ऑफ दिस बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तेजी से बताइए सीटेट रिजल्ट जारी करवा दूं मैं एडुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं क्या बेटा तुरंत जारी करवा दूं

देखो जब ऐसे टूटे तो बाइनरी और ऐसे टूटे तो ऐसे टूटे तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बाइनरी मतलब एक ही टूटा ऊर्ध्वाधर टूटा प्लेनेरिया आपके ऑप्शंस यहां है ए एंड बी क और ख दूसरा ऑप्शन है सी एंड डी तीसरा है ओनली सी चौथा है ए एंड डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बताइए क्या होगा जवाब पैरामेशियम में तो देखो होता ही होता है एक तो इसमें होता ही होता है और एक प्लेनेरिया में भी होता है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर प्लेनेरिया एंड हैव ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन डी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहरी निषेचन के संदर्भ में कौन सा गलत है पहला ऑप्शन दिया है सिंगामी ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल दूसरा एनिमल रिलीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर एज प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय फीमेल क्या होगा जवाब इनमें से गलत क्या है देखिए इनमें से गलत मुझे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है क्योंकि डी ये कह रहा है चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग प्रोटेक्शन प्रॉपर सुरक्षा देना पेरेंटल केयर देना तो खुद स्तंधारी भी नहीं कर पाते ऑप्शन नंबर डी इज द इन करेक्ट वन अगला सवाल थैलीटॉकी इज ऑब्जर्व इन थैलीटॉकी किसमें ऑब्जर्व किया जाता है शहद मधुमक्खी तुर्की मतलब टर्की में लिज़र्ड या फिर रॉक लिजर्ड में पहला ऑप्शन यहां दिया हुआ है गलती से भी मत सोचना कि ये ऑप्शन है ये चार आपको दे दिया गया ये तीसरा और ये चौथा अब कह रहा है क ख दूसरा क ख अच्छा डी पहला ऑप्शन ए बी सी एन डी चारों है दूसरा है ए एन बी तीसरा है सी डी चौथा है डी ओनली क्या होता है थेलाइटोकी किसमें ऑब्जर्व किया जाता है तो थेलाइटोकी इज ऑब्जर्वड इन ओनली विप्टेल लिज़र्ड एंड रॉक लिजर्ड छिपकलियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला यह फिनोमिनन है सो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी एंड डी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर थेलाइटोकी इज सीन इन लेजर्ड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस ऑफ सार्टोली सेल्स एक्सेप्ट

न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान कराते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मैटोजोआ डेवलपिंग स्पर्मैटोजोआ तो ऑप्शन नंबर डी गलत है बाकी सारे सही हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन

वासा एफरेंशिया है तो एक तरफ रेटे टेस्टिस होगा और दूसरे तरफ एपिडिडाइमिस होगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर आपको एकदम नीचे से स्टार्ट करना होगा सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो निकलेगा सीधे रेटे टेस्टिस में ये पाथ ऑफ स्पर्म बता दे रहा हूं टेस्टिस उसके बाद जाएगा वासा एफरेंशिया में वासा एफरेंशिया में फरेंशिया के बाद जाएगा ये एपीडी डाइमिस में एपीडी डाइमिस में एपीडी डाइमिस के बाद कहाँ जाएगा ये वास डेफरेंस में वास डेफरेंस के बाद कहाँ जाएगा ये सेमिनल वेसिकल में सेमिनल वेसिकल के बाद कहाँ जाएगा तो ये जाएगा प्रोस्टेट में प्रोस्टेट के बाद कहाँ जाएगा तो ये बल्बोरथरल ग्लैंड में बल्बो यूरथरल ग्लैंड में जाएगा और फिर वहां से यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड मूत्र मार्ग के थ्रू आउटसाइड तो ये पाथ होगा सीमन का ठीक है ये पूरा पाथ होता है है का ठीक है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मुझे उम्मीद है आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा रैपिड फायर क्वेश्चंस थे याद रखिएगा डबल वैलिडिटी इज ऑन तो टीचिंग का महापैक लेना ना भूलिए टीचिंग का महापैक लेना ना भूलना बिकॉज डबल वैलिडिटी इज ऑन जो भी नए बच्चे हैं अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डबल वैलिडिटी का इस्तेमाल कर लेना कूपन कोड होगा फॉर डबल वैलिडिटी कूपन कोड इज वाई टू टू थ्री बैच सर कहाँ से मिल पाएगा बेटा बैच में आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से मिल पाएगा बैच के लिए आपको करना क्या है आप आइए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप डाउनलोड करिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप डाउनलोड करते ऐसा ऐप आप, ऐप आप आप आपके खुल जाएगा ऐप में आप जाइए और सीधे आपको तैयारी किसकी करनी है डी ट्रिपल एस बी की मतलब टीचिंग एग्जामिनेशन की तो टीचिंग डिपार्टमेंट में जाइए डी ट्रिपल एस बी में जाइए डी ट्रिपल एस बी में जाते ही आपको अचीवर्स बैच मिलेगी जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है 160 घंटे कि क्लास है दस से साढ़े ग्यारह चालू हो रही है मंडे टू फ्राइडे और स्टडी प्लान जो है वो आपको सारा यहाँ दिख जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन पढ़ाने वाला है ठीक है ना स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा ठीक है ऑफर्स क्या मिलेगा सर कितने में मिलेगा तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है ठीक है आप अपना ईमेल आईडी एक बार जरूर डाल देना एंड फिर कूपन कोड मैंने जैसे कि आपको बताया वाई डबल टू थ्री अप्लाई कीजिए वाई डबल टू थ्री अप्लाई करते ही पच्चीस सौ रुपए में आपको डबल वैलिडिटी के साथ दुगने वैधता के साथ ये बैच आपको मिल जाएगी दुगने वैधता के साथ ये बैच आपको मिल जाएगी बहुत ही सस्ते प्राइस पे सर किसको सरकार बना रहे हैं आप सर साइकिल हरी ओम चौरसिया जी बेटा हम शिक्षक हैं हम पढ़ाते हैं हम सरकार नहीं बनाते हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि आप सरकार बनाने में ही अपनी योगदान लगें लगाएं तो एकदम सरकार बनाइए पढ़ाई मत कीजिए एकदम सरकार ही बनाइए ऐसी बातों के लिए ना हमारे पास कोई स्थान है ना हमारे संस्थान में जय हिंद जय भारत